हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB 40 के साथ। आज हम इस वीडियो में जीके के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मेडिवल इंडिया। इसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये जो क्वेश्चन है ये DSSB के एग्ज़ाम में पहले आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगे के एग्ज़ाम देने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ यादव रूलर वॉज, जो यादव के रूलर थे उसकी कैपिटल राजधानी क्या थी। उसकी राजधानी थी देवगिरी, ऑप्शन नंबर 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है दुनिया की विरासत की लिस्ट में है, तो वो है हम्पी रूइंस, ऑप्शन नंबर 3rd। हु गॉट द मोन्यूमेंटल रयागोपुरम्स इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल एट हम्पी, तिरुमलाई, चिदंबरम, श्रीनगरम, तिरुपति एटसेट्रा कंस्ट्रक्टेड। तो हमें बताना है इसके सामने कौन सा बना था, वो बना था कृष्ण देवराय, ऑप्शन नंबर 2nd। द राइटर ऑफ रामचरितमानस तुलसीदास वॉज रिलेटेड टू विच रूलर, हमें बताना है कि जो राइटर है रामचरितमानस के तुलसीदास जी, वो कौन से रूलर से रिलेटेड थे, तो वो थे अकबर से संबंधित, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। शाहजहाँ बिल्ट द मोती मस्जिद एट, हमें बताना है कि जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने कहाँ पर बनवाई थी, तो आई होप इसका तो आंसर आप सभी को पता भी होगा, ये बनवाई थी आगरा में, ऑप्शन नंबर 3rd इसका सही हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नोन एज द की ऑफ डेक्कन, हमें बताना है कि कौन सा किला की ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें देखते हैं हम इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 असीरगढ़। नेक्स्ट है द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज, जो मुस्लिम पावर है इंडिया में उसके जो बैटल, उसका जो लड़ाई हुई थी उसको बढ़ाने वाले कौन थे, वो कौन सा बैटल था, वो था द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ऑप्शन नंबर 2nd। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कॉमन टू बोथ भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, जो दो मूवमेंट है भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, उसमें कौन सा एस्पेक्ट जो है कॉमन नहीं है, हमें ये बताना है, तो वो है वर्शिप ऑफ आइडोल्स, मतलब मूर्ति पूजा। मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ, हमें बताना है कि जो मुगल की प्रेजेंस थी रेड फोर्ट में वो किसकी वजह से समाप्त हो गई थी, वो हुई थी बहादुर शाह जफर के साथ, ऑप्शन नंबर 3rd। द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड हु लेफ्ट अस एन एक्सपर्ट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिकॉक थ्रोन वॉज, हमें बताना है कि वो कौन सा फॉरेन ट्रैवलर है जो कि बाहर से आया था यात्रा करने के लिए, जो इंडिया में आया था मुगल पीरियड के टाइम पे, जिसने हमें पिकॉक थ्रोन का अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वो है त्रावणेर, ऑप्शन नंबर 3rd। अमीर खुसरो वॉज अ म्यूजिशियन एंड, हमें बताना है कि जो अमीर खुसरो है वो म्यूजिशियन है और क्या है, वो सूफी संत भी हैं, पर्शियन एंड हिंदी राइटर भी हैं, स्कॉलर भी हैं और हिस्टोरियन भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, हमें बताना है जो कोहिनूर का हीरा है, कोहिनूर हीरा है, वो कौन सी माइन में से निकला था, किस में से निकला था, वो निकला था गोलकोंडा की खान में से। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेंट एज एन एम्बेसडर टू द रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर बाय जेम्स फर्स्ट देन किंग ऑफ इंग्लैंड, तो हमें बताना है कि वो कौन सा दूत, मतलब किसको दूत बनाकर भेजा गया था जहांगीर के रॉयल कोर्ट में जेम्स के द्वारा और उसके बाद किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, तो वो भेजा गया था जॉन हॉकिंग्स को, ऑप्शन नंबर 3rd। द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई द फेमस रूलर, हमें बताना है कि जो कुतुब मीनार है उसको पूरा किस, कौन से रूलर ने करवाया था, मतलब आधा तो वो बन चुका था फिर बचा हुआ पूरा उसको किसने करवाया था, वो करवाया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर 2nd इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेंशनड फैक्ट्स अबाउट ताजमहल इज़ नॉट करेक्ट, कि जो नीचे फैक्ट दिए हुए हैं उसमें से कौन सा एक फैक्ट सही नहीं है ताजमहल से रिलेटेड, तो वो होगा द नेम्स ऑफ द आर्टिशंस हु बिल्ट इट आर एनग्रेव्ड ऑन इट, कि जिन आर्टिशंस ने इस ताजमहल को बनाया था उनके जो नाम हैं वो इस पर छपे हुए हैं, तो ये जो है सही नहीं है। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम इन 1700 AD मराठास कंटिन्यूड द वॉर अगेंस्ट द मुगल्स अंडर हिज ब्रेव वाइफ, तो हमें बताना है कि जो राजा राम हैं उनकी डेथ हो गई थी 1700 AD में, तो मराठास ने मुगल के खिलाफ जो
वॉर अपना जो उस समय लड़ाई चल रही थी उसको कंटिन्यू रखा था, तो वो किसकी वजह से रखा था? तो वो थी ताराबाई, ऑप्शन नंबर ए। द मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज, वो कौन से मुस्लिम एडवेंचरर थे जिन्होंने कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था? वो होते मुहम्मद बिन बख्तियार, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। द फेमस पिकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहाँ वॉज टेकन अवे इन 1739 बाई, हमें बताना है जो फेमस पिकॉक थ्रोन था जो शाहजहाँ के पास था और उसको ले लिया गया था 1739 में, वो किसने लिया था? वो लिया था पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह ने, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब पाई गई थी? 1664 में। द सिख मिलिट्री सेक्ट द खालसा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो जो द खालसा है उसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था? गोविंद सिंह ने। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द रेप्यूटेड म्यूजिशियन डुओ तानसेन एंड बेजू बावरा फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, हमें बताना है कि जो म्यूजिशियन हैं तानसेन और बेजू बावरा वो किसके शासनकाल में उन्होंने विकास पाया था? तो वो पाया था अकबर के शासनकाल में। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो अ चैरिटी ब्यूरो एंड अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसने ये तीनों बनवाए थे? तो वो था फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्प्रेस ब्रॉट अबाउट द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर्स, वो कौन सा मुगल एम्प्रेस था जिसने सैयद ब्रदर को गिरा दिया था? तो वो थे मोहम्मद शाह। विच राजपूत रूलर ड्रू अप अ सेट ऑफ टेबल्स कॉल्ड जिज मुहम्मद शूही टू इनेबल द पीपल टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, तो वो कौन सा राजपूत रूलर था जिसने सेट ऑफ टेबल्स बनाया था जिसका नाम ये रखा हुआ था ताकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन बना सके? तो वो था राजा सवाई जयसिंह, ऑप्शन नंबर सेकेंड। हु वॉज कॉल्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा किंगडम, हमें बताना है कि कौन मराठा किंगडम का सेकेंड फाउंडर के नाम से जाना जाता है? तो वो है बाजीराव फर्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैज़ बीन डिस्क्राइब बाई द हिस्टोरियंस एज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट, हमें बताना है कि हिस्टोरियन के द्वारा किसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट के नाम से जाना जाता है जो कि सुल्तान था दिल्ली का? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर थर्ड। द टेम्पल बिल्ट इन 1100 AD एंड डोमिनेटिंग ऑल अदर टेम्पल इन भुवनेश्वर इज, हमें बताना है कि वो कौन सा मंदिर है जो कि 1100 AD में बना था और भुवनेश्वर के जितने भी मंदिर हैं उनको डोमिनेट भी करता है? तो वो है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आता है तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम्स वॉज इन द कोर्ट ऑफ, जो तानसेन है म्यूजिशियन वो किसके कोर्ट में थे? वो थे अकबर के कोर्ट में। द कैपिटल ऑफ बहामनी किंग्स वॉज, बहामनी किंग्स की राजाओं की जो राजधानी है वो क्या है? गुलबर्ग। नेक्स्ट आता है द सिटी ऑफ दिल्ली वॉज फाउंडेड बाई, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तोमर्स के द्वारा। कृष्णदेवराय मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद दी, जो कृष्णदेवराय है उन्होंने किसके साथ अपनी मित्रत्व को बना के रखा था? वो रखा था पोर्तुगीज के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाई अकबर टू कोमेमोरेट हिज क्वेस्ट ऑफ खंडेश इन गुजरात, तो हमें क्या बताना है इसमें कि जो अकबर है उसने क्या बनवाया था अपनी विजय को स्मरण के रूप में, मतलब उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी खंडेश के ऊपर गुजरात में उसके एक स्मरण के स्वरूप उन्होंने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर बी। द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन, हमें बताना है कि जो ग्रेट विजयनगर एम्पायर है उनके शेष क्या है, मतलब उनके बाद क्या बचा है? वो है हम्पी। द फेमस सिटी ऑफ भोपाल वॉज फाउंडेड बाई द राजपूत रूलर, हमें बताना है कि जो फेमस सिटी भोपाल में बनाई गई थी राजपूत रूलर के द्वारा वो कौन किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी राजा भोज ने। रज़िया सुल्तान द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान, हमें बताना है कि रज़िया सुल्तान जो कि पहली वुमेन थी जो कि दिल्ली के राज पार्ट में बैठी थी वो किसकी बेटी थी? वो थी इल्तुतमिश की, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। द इनोवेटर ऑफ द रिवेन्यू
सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वॉज, हमें बताना है कि जो राजस्व समझौता था उसके अन्वेषक कौन थे, वो थे राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो है मोती मस्जिद, क्योंकि ये कहाँ पर है, आगरा में। वेयर इज़ द बड़ा इमामबरा लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है, लखनऊ में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गुरु ऑफ द सिख, सिख के लास्ट गुरु कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके से DSSB 40 लाते रहेंगे, ताकि आप अपना टॉपिक वाइज कॉमन पेपर क्लियर कर सकें। थैंक यू।